सामाजिक विज्ञान में राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं के बारे में पढ़ेंगे। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, अब जीवन रेखाएं क्या है? जिस तरह से हमारे जीवन में लाइफ लाइन होती है कि मतलब किस तरह से हम हवा पानी और इसके बिना नहीं रह सकते, उस तरह से राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की भी जीवन रेखा होती है। अब जीवन रेखाएं में क्या होगी? यातायात, यातायात। तो यातायात में भी हम कौन कौन सी चीजें उसमें शामिल कर सकते हैं? अब इसमें हम देखेंगे कि यातायात के अंतर्गत जैसे सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना, जब हम उद्योग पढ़ रहे थे तो उद्योग में ये चीजें थी कि जहां पर हम उद्योग की स्थापना करेंगे वहां पर हमें यातायात का साधन भी होना चाहिए, साथ ही वहां पर मजदूर आसानी से मिल जाना चाहिए और कच्चा माल भी आसानी से मिल जाना चाहिए। जिस तरह से हम देखे थे कि हम अपने प्रतिदिन जीवन में विभिन्न सामग्रियों एवं सेवाओं का हम प्रयोग करते हैं, कुछ हमारे पास आसपास उपलब्ध होती है और साथ ही साथ कुछ जरूरतें ऐसी होती है जो हम दूसरे स्थानों से लाकर पूरा करते हैं। जिस तरह से हमने उद्योग जब पढ़ रहे थे हम उस समय सारी चीजें हमने आपको बताए थे। इसी में है वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति स्थान मांग स्थानों तक ले जाने हेतु हमें किसकी आवश्यकता होती है? परिवहन की आवश्यकता होती है, मतलब यातायात की आवश्यकता होती है। परिवहन जो है, परिवहन क्या है? परिवहन जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम आसानी से मांग को हम पूरा कर सकते हैं, साथ ही साथ एक जो वस्तु है या जो चीजें हैं उसको हम आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम उसको उपलब्ध करा सकते हैं। उससे व्यक्ति जब उत्पाद की परिवहन द्वारा उपभोक्ताओं तक पहुंचाते हैं तो उसे व्यापारी कहा जाता है। व्यापारी किसे कहा जाता है? ये जो व्यापारी है किसे कहा जाएगा? जो उसने उत्पाद किया है ना, उत्पाद किया मतलब जो उत्पादन किया है। उद्योग में हम क्या करते हैं? उत्पादन करते हैं, तो उस उत्पादन को वह क्या किया? परिवहन के द्वारा जिस जगह पर उसकी मांग है वहां पर जो मांग कौन करेगा? उपभोक्ता करेगा। तो उपभोक्ता तक जो पहुंचाता है वह क्या कहलाता है? व्यापारी कहलाता है। उसी प्रकार से वस्तुओं जो गति में वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन के साथ साथ एक स्थान से दूसरे स्थान तक वहन की सुविधा पर निर्भर करना पड़ता है, मतलब ये परिवहन के साधन जो है जो हम आपको जो तीव्र विकास हेतु पूर्व अपेक्षित है, क्योंकि परिवहन के साधन का तीव्र विकास होना आवश्यक है। अब ये परिवहन के साधन जो है हमें किस किस मार्ग में हो सकते हैं, किस तरह से हो सकते हैं? अब यहाँ पर वस्तु और सेवाओं को यदि लाना है तब उसके लिए क्या करेंगे? तीन ये महत्वपूर्ण क्षेत्र है, तीन महत्वपूर्ण क्षेत्र है जिसमें स्थल है, जल है और वायु है। यदि हम नाइन्थ में तुम लोग देखे होगे या उसमें पढ़ते हैं कि जल मार्ग, थल मार्ग और वायु मार्ग, जहाँ के द्वारा हम यात्रा करते हैं या वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर इन परिवहन के साधन के माध्यम से हम भेज सकते हैं। तो इसी तरह से हम देखेंगे बहुत समय तक जब व्यापार और परिवहन की सुविधा जो थी, जो व्यापार और परिवहन की सुविधा एक क्षेत्र तक सीमित किया जाता था, जिसके लिए विज्ञान और जो प्रौद्योगिकी जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास के साथ साथ व्यापार और परिवहन का क्षेत्र, मतलब जो व्यापार है उसको हमें यदि बढ़ाना है तो परिवहन के प्रभाव क्षेत्र को विस्तृत वृद्धि हुई है। क्योंकि यदि हम स्वाभाविक है जब हमको व्यापार को बढ़ाना है तो परिवहन के क्षेत्र में भी तेजी से वृद्धि होगी, क्योंकि आवागमन के साधन के लिए हमें परिवहन की आवश्यकता पड़ेगी। कई बार ऐसा होता है कि पर्सनल हमारे साधन होने चाहिए परिवहन के साधन, और कई बार हम क्या करते हैं सरकारी जो साधन होते हैं उसको हम उपयोग करते हैं। इसी तरह से परिवहन से संसार में एक बड़े गांव में परिवर्तित हो गया। संसाधन जो है परिवहन के कारण ही हम छोटे छोटे गांव तक आसानी से उनसे जुड़ गए हैं, जिससे कि कच्चा माल हमें आसानी से मिल जाता है। इसलिए परिवहन, यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो परिवहन है, संचार है और व्यापार, ये तीनों ही क्या है? एक दूसरे के पूरक हैं। यदि परिवहन नहीं होगा तो हम एक जगह से दूसरे स्थान पर हम सामान पहुंचा नहीं सकते। संचार, संचार क्या है? जो हम फोन द्वारा एक दूसरे से हम संपर्क में रहते हैं। अब हम एक जगह रहकर ही दूसरे जगह से हम ऑर्डर ले लेते हैं और उसका सामान हम आसानी से वहां पर पहुंचा सकते हैं। उसी तरह से व्यापार, व्यापार क्या है? जब तक हमें परिवहन नहीं होगा, संचार का साधन नहीं होगा, उसके बिना हम व्यापार नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि परिवहन से हम क्या करते हैं, सामान एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा सकते हैं, और संचार के माध्यम से हम कहीं के एक कोने से दूसरे कोने तक का हम सामान का ऑर्डर लेके उसे हम वहां पर पूरा कर सकते हैं। इस तरह से ये तीनों ही जो क्या है ये एक दूसरे के पूरक कहलाएंगे। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर ये मतलब बहुत सांस्कृतिक बहुलताओं के कारण यहाँ पर जो हमारा सामाजिक है विशाल आकार है। जैसे हमारा देश क्या है? वसुदेव कुटुंबकम, जिसमें अनेक जाति, अनेक संस्कृति, अनेक भाषा के लोग यहाँ पर
रहते हैं। इसमें हमने देखा था कि आकार, विविधता, भाषाई और सामाजिक और सांस्कृतिक की बहुलताओं के बावजूद भी संसार में सभी क्षेत्रों का क्या है, सुचारू रूप से वह एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। क्यों जुड़ा हुआ है? ये इसलिए जुड़ा हुआ है क्योंकि रेल, वायु एवं जल परिवहन, समाचार पत्र, रेडियो, दूरदर्शन, सिनेमा, इंटरनेट आदि के कारण ये सामाजिक आर्थिक विकास जो है वह अनेक प्रकार से सहायक है। क्योंकि इन सब के माध्यम से, एक तो रेल, वायु और जल परिवहन के माध्यम से हम वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा सकते हैं, समाचार पत्र के माध्यम से हमें जानकारियां प्राप्त होती हैं, रेडियो के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त होती है, दूरदर्शन के द्वारा भी हमें जानकारियां प्राप्त होती हैं और सिनेमा और इंटरनेट के द्वारा भी हमें बहुत सारी जानकारियां जो है हमें उपलब्ध होती रहती है, जिससे कि हमें व्यापार करने में या परिवहन के साधन को उपयोग करने में हमें सहायता प्राप्त होती है। उसी तरह से हम देखेंगे कि हमारे जीवन में जो आरामदायक जीवन के लिए सुविधाओं व साधनों की बढ़ोतरी की है, स्वाभाविक है हमें आरामदायक जीवन यदि जीना है तो उसके सुविधाओं और साधनों की बढ़ोतरी की आवश्यकता पड़ेगी। इस तरह से आधुनिक अर्थव्यवस्था को हम क्या करते हैं, संचालित कर सकते हैं। फिर हम देखेंगे ये सक्षम जो साधन जो है, ये परिवहन का जो जाल है ना, ये जाल है तथा संचार के जो साधन है आज के विश्व के राष्ट्रीय स्थानीय बाजार हेतु पूर्व अपेक्षित है। मतलब आज के व्यापार के लिए, आज के परिवहन के लिए हमारे पास ये जो परिवहन का जाल है तथा संचार के जो साधन है वो आज के लिए हमारे लिए बहुत ही आवश्यक हो गए। अब सबसे पहले हम देखेंगे परिवहन या ट्रांसपोर्ट। परिवहन क्या है, और जैसे हमने अभी शुरू में बताया, स्थल परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन, तो ये वही है। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर स्थल परिवहन। स्थल परिवहन वह कहलाते हैं जो कि हम जमीन पर जो आवागमन के जो साधन है, जिससे कि एक जमीन ये पूरे जाल सड़क, जैसे जिस तरह से सड़क है और रेल मार्ग है, ये दोनों जो किस में आते हैं, थल मार्ग में आते हैं। इस तरह से हम देखेंगे कि जो भारत में सड़क परिवहन और रेल परिवहन सबसे प्रारंभ हुआ था और साथ ही साथ सड़क परिवहन और रेल परिवहन की अपेक्षा ये परिवहन जो है बहुत ही सुविधाजनक है। क्यों? क्योंकि रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन जो बढ़ती महत्व निम्न कारणों से, किन कारणों से, ये हम यहाँ देखेंगे। रेलवे लाइन की अपेक्षा सड़कों के निर्माण की लागत बहुत कम पड़ती है। क्यों है? क्योंकि जो रेलवे लाइन बिछाई जाती है उसकी लागत अधिक होती है और सड़क परिवहन की अलग होती है। फिर देखेंगे अपेक्षाकृत उबड़ खाबड़ और विभिन्न क्षेत्र भूभागों में सड़कें जो है आसानी से बनाई जा सकती है, लेकिन रेल लाइन को बिछाने के लिए हमें उस जगह को समतल करना होगा। फिर यहाँ पर देखिए, अधिक ढाल प्रणालिता और पहाड़ी क्षेत्रों में भी सड़कें निर्मित की जा सकती है। जिस तरह से आप लोग देखते होंगे कि पहाड़ी क्षेत्रों में भी सड़कें जो हैं वह एक धीरे धीरे चक्कर लेते हुए वह पहाड़ पर चढ़ती है और आसानी से हम उसको चढ़ सकते हैं परिवहन के माध्यम से, लेकिन रेल मार्ग के लिए हम इस तरह से चक्करदार जो है सड़क की तरह रेल को हम नहीं बना सकते उसको, क्योंकि उसको सीधे ही बनाना होगा। फिर याद देखेंगे अपेक्षाकृत कम व्यक्तियों, कम दूरी व कम वस्तुओं के परिवहन से सड़क मितव्ययी है, क्योंकि पास के क्षेत्रों में भी हमें आसानी से छोटे छोटे वाहन मिल जाते हैं, परिवहन के साधन मिल जाते हैं, आसानी से हम आज कहीं भी आ जा सकते हैं। फिर है ये घर घर सेवाएं उपलब्ध करवाते हैं। जिस तरह से प्रधानमंत्री सड़क योजना जो है वह अब छोटे छोटे गांवों को भी आसानी से जोड़ दिया है, जिससे क्या हो रहा है कि हमारे परिवहन के साधन के कारण हम छोटे छोटे गाँव से भी जुड़ गए हैं और जो उनके उत्पादित जो वस्तु है वह भी आसानी से हम उनके बाजार तक उसको उपलब्ध करवा सकते हैं। फिर यहाँ पर सड़क परिवहन व अन्य परिवहन के साधनों के उपयोग में एक कड़ी के रूप में जो कार्य करता है, जैसे सड़कें हैं, रेलवे स्टेशन है, वायु है और समुद्री पत्तन है। स्वाभाविक है कि यदि हमें रेलवे स्टेशन तक जाना है तो भी हम सड़क के माध्यम से जाएंगे, वायु मतलब यदि हम वायु मार्ग से भी जाना है या एयरपोर्ट में जाना है तो भी हम सड़क के माध्यम से जाएंगे, और समुद्री पत्तन में भी जाना है हम सड़क के माध्यम से ही वहां तक हमें पहुंचना होगा। इस तरह से सड़क जो है हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर हम उसके बाद देखेंगे कि हमारे जो सड़कों की जो क्षमता के आधार पर निम्न 6 वर्गों में उसको हम कर सकते हैं, जैसे राष्ट्रीय मार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग, फिर उसकी राष्ट्रीय राजमार्ग की भी बहुत बड़ी भूमिका होती है। फिर यहाँ देखेंगे स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग। अब इसको स्वर्णिम चतुर्भुज क्यों कहा गया है,
क्योंकि इसलिए कहा गया, जैसे कि अभी हमने सारी जानकारी आपको दी, हमको कहीं भी पहुंचना है तो सड़क मार्ग से ही पहुंचना होगा। इसलिए सड़क मार्ग के द्वारा हम आसानी से एक राज्य से दूसरे राज्य, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है दिल्ली कोलकाता चेन्नई मुंबई, दिल्ली को जोड़ने वाली 6 लेन वाली महाराजमार्गों का सड़क परियोजना से प्रारंभ किया गया है। और इसके बाद भी दो गलियारे प्रस्तावित हैं, जिसमें प्रथम जो है वह क्या है उत्तर दक्षिण है और जो श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है, और द्वितीय क्या है वह है जो पूर्व पश्चिम गलियारा है जो सिलचर असम तथा पोरबंदर को जोड़ता है। इस तरह से राजमार्ग का प्रमुख उद्देश्य जो है भारत की जो मेगा सिटी है उसकी मध्य दूरी जो परिवहन का समय जो है उसको न्यूनतम करता है, और राजमार्ग की परियोजना के अधीन राजमार्ग प्राधिकरण के क्षेत्र में ये आता है। मतलब जो सड़क में है जो भी नुकसान होगा, गड्ढे होंगे, तो उसको फिलिंग करना, उसको ठीक रखना, उसका देख रेख करना, यह कौन करता है? जो राष्ट्रीय राजमार्ग का प्राधिकरण होता है उसके अधिकार क्षेत्र में आता है और वह इनकी देख रेख करता है। फिर देखेंगे राष्ट्रीय राजमार्ग, मतलब नेशनल हाईवे जिसको कहा जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग जो देश के दूरस्थ भागों को जोड़ते हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग क्या है दूरस्थ मार्गों को जोड़ते हैं, इसका निर्माण, इसका रखरखाव जो है, लोक निर्माण जिसको कि PWD कहा जाता है ना, तो सी जो है वो सेंट्रल मतलब केंद्रीय लोक निर्माण विभाग जो है वह इसकी देखरेख करता है, और यह जो है उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम सभी दिशाओं में फैला हुआ है। राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या 1 जो है के नाम से इसको जाना जाता है। फिर दूसरा हम देखेंगे राजमार्ग जो स्टेट हाईवे है, ये जो है इसको मुख्यालयों से जोड़ने वाली सड़कें राजमार्ग कहलाती हैं। उनको जोड़ने जो जिला मुख्यालय हैं उनको जोड़ने वाली सड़क को क्या कहते हैं? राष्ट्रीय राजमार्ग कहते हैं। इससे राज्य तथा केंद्रीय शासित जो है, राज्य और केंद्र शासित क्षेत्रों में इनकी व्यवस्था जो है निर्माण का दायित्व जो है सार्वजनिक निर्माण, मतलब सार्वजनिक निर्माण जो करता है वह PWD का होता है। फिर उसके बाद हम देखेंगे जिला मार्ग। जिला मार्ग में क्या है, ये सड़कें जो है जिले के जो विभिन्न प्रशासनिक केंद्रों को जिला मुख्यालय से जोड़ती है। इन सड़कों की व्यवस्था जो उत्तरदायित्व जो किसको होता है? जिला परिषद का होता है। फिर देखेंगे अन्य सड़कें जो है, ये जो है ग्रामीण क्षेत्र गांवों को शहरों को जोड़ती है, और ये जो है प्रधानमंत्री सड़क परियोजना के तहत इन सड़कों का विकास में विशेष प्रोत्साहन मिला। जिस तरह से मैंने अभी पूर्व में भी आप लोग को बताया था, प्रधानमंत्री सड़क योजना के कारण ये छोटे छोटे गांव भी आसानी से शहरों से वे जुड़ चुके हैं, और अपने जो उत्पादन है उसको आसानी से वह शहर में या फिर आसपास के बाजार में वह आसानी से उसको उपलब्ध करा देते हैं और उसको बेच भी सकते हैं। इस तरह से उनकी आमदनी में भी वृद्धि होती है। फिर उसके बाद देखेंगे सीमांत सड़कें। उपरोक्त सड़कों के अतिरिक्त जो भारत सरकार जो है अधीन सीमा सड़क संगठन है जो देश के सीमांत क्षेत्रों में सड़कों का क्या करती है? निर्माण करती है तथा उसकी देखरेख करती है। यह संगठन जो है 1960 में बनाया गया था, जिसका कार्य उत्तर तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में सामरिक महत्व से सड़कों का विकास करना था, जिससे कि इन क्षेत्रों का आर्थिक विकास में आसानी से इसे सहायक हो सके। फिर सड़क निर्माण में प्रयुक्त पदार्थ के आधार पर जो है सड़कों को जो कच्ची और पक्की सड़कों में वर्गीकृत किया गया है। पक्की सड़कें जो है किस किस की होगी? सीमेंट की होगी, कंक्रीट की होगी, तारकोल द्वारा निर्मित होगी, जबकि 12 मासी सड़कें जो है कच्ची सड़कें जो वर्षा ऋतु में अनुपयोगी हो जाती हैं, लेकिन पक्की सड़कों को हम वर्षा ऋतु में भी आसानी से उपयोग कर सकते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे कि रेल परिवहन जो है, रेल परिवहन के द्वारा हम क्या क्या करते हैं? रेल परिवहन से वस्तुओं तथा यात्रियों के परिवहन का प्रमुख साधन है, जिससे कि रेल परिवहन के अनेक कार्य होते हैं, जैसे कि व्यापार, भ्रमण, तीर्थ यात्राएं, लंबी दूरी तक का सामान परिवहन आदि। यह हम एक प्रमुख परिवहन साधन के रूप में हम इसका उपयोग करते हैं। यह जो है पिछले 150 वर्षों से अधिक समय तक भारतीय रेल जो है महत्वपूर्ण समन्वय के रूप में कार्य किया है, और अर्थव्यवस्था में ये जो रेलवे मार्ग है इसका देश की अर्थव्यवस्था में उद्योग कृषि के क्षेत्र में तीव्र गति से विकास के लिए भी उत्तरदायी है। फिर देखेंगे भारतीय रेल को 16 रेल प्रखंडों में पुनः संकलित किया गया, मतलब 16 खंडों में उसको
संकलित किया गया। तो सबसे पहले रेल परिवहन वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? इसमें भू प्राकृतिक और इसमें भू प्राकृतिक आर्थिक है, प्रशासनिक है, ये क्या है, ये प्रमुख कारक है। इसके ये क्यों है? क्योंकि जब प्राकृतिक आपदा आती है उसमें भी ये परिवहन को नुकसान पहुंचाता है, और आर्थिक, यदि हमारे पास आर्थिक साधन होगा तभी हम उस परिवहन को उपयोग कर सकते हैं। और प्रशासनिक कारक, कुछ प्रशासनिक ऐसे होते हैं जो कि हमें वहाँ से परमिशन लेने के बाद ही हम उस कार्य को आसानी से कर सकते हैं। इस तरह से रेल परिवहन के विकास और वृद्धि में भी इस तरह से संसाधनों का भी सहायक रहा। क्या क्या? जनसंख्या का घनत्व, संपन्न कृषि क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में जो संसाधन है उसका भी, इसके विकास में यह सहायक सिद्ध हुआ है। लेकिन कुछ बाधाएं भी आती हैं, जैसे भारत में रेल मार्ग है, उबड़ खाबड़ है, पहाड़ी क्षेत्र है, तो यहाँ पर हम क्या है, छोटी छोटी जो पहाड़ियाँ हैं, सुरंगें हैं आदि से होकर गुजरती है। हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में दुर्लभ उच्चावच विरल जनसंख्या, आर्थिक अवसरों की कमी के कारण रेलवे लाइन का निर्माण जो है प्रतिकूल परिस्थितियाँ उत्पन्न करता है। यहाँ जिस तरह से हमने पहले ही बताया थे कि छोटी छोटी चीज़ों जगह में दलदली जगह है तो वहाँ भी हम नहीं बना सकते हैं। जैसे कि वन क्षेत्र का छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड में ये रेल लाइन निर्माण करना कठिन है। उसी के साथ साथ हम यहाँ पर देखें घाट और दर्रा के द्वारा भी पार कर पाना संभव नहीं है। मतलब जहाँ पर दर्रा है, जहाँ पर घाट है, वहाँ पर भी हम रेल लाइन नहीं बिछा सकते। उसी तरह से पश्चिमी तट में जैसे कोंकण रेलवे है, विकास में यात्री व वस्तुओं के आवागमन में सुविधाजनक बनाया है, जिसमें कि असंख्य जन समस्याएं जो हैं वह भी, जैसे कि भूस्खलन होना, किसी भाव में रेलवे ट्रैक का धसना, ये सारी चीजें भी क्या है, रेल लाइन में बाधक सिद्ध होती हैं। तो देखेंगे आज जो है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में परिवहन के अन्य सभी साधनों में रेल परिवहन प्रमुख हो गया है, जिससे कि रेल परिवहन की समस्याओं से मुक्त नहीं है। लेकिन उसके बाद भी यात्री जो है बिना टिकट यात्रा करते हैं, रेल संपत्ति को हानि पहुंचाते हैं, चोरी जैसी जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं, क्योंकि लोग क्या करते हैं, इसको अपना संपत्ति नहीं मानते, यह सरकार की संपत्ति करके उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ जंजीर खींच करके यात्री भी अनावश्यक रूप से गाड़ी को रोकते हैं, और फिर इससे क्या होता है, रेलवे को जो है भारी हानि उठानी पड़ती है। और ये इसको जो निर्धारित समय में चलने में कैसे मदद कर सकते हैं, यह हमें सोचना होगा। क्योंकि जब हम बीच बीच में जंजीर खींच देंगे, बीच में हम उसको नुकसान पहुंचाएंगे, तो उससे क्या है, जो रेलवे मंत्रालय है उसको इससे क्या होगा, नुकसान होगा, और समय पर भी जो रेल है वह पहुंच नहीं पाती है। अब देखेंगे पाइपलाइन। अब पाइपलाइन क्या है, पाइपलाइन के माध्यम से किस तरह से परिवहन का साधन है ना। अब आपको लग रहा होगा पाइपलाइन से हम कैसे एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, लेकिन ये आने जाने के लिए नहीं, लेकिन यह कुछ चीजें जो है उद्योगों तक चीज पहुंचाने के लिए है ना, तो हम पाइपलाइन का उपयोग कर सकते हैं। जिस तरह से नल द्वारा पानी को हम पाइप के द्वारा ही एक जगह से दूसरी जगह स्टोर करते हैं, वहां से फिर दूसरी जगह हम सप्लाई करते हैं, उसी तरह से ये पाइपलाइन का उपयोग भी हम परिवहन के साधन के रूप में हम उपयोग करते हैं। लेकिन यह किसके लिए होता है, जैसे कि कच्चा तेल है, पेट्रोल उत्पाद है, तेल से प्राप्त प्राकृतिक गैस क्षेत्र उपलब्ध जो शोधशाला है, इन सबसे जो उर्वरक कारखाने हैं, इनमें ताप विद्युत गृह है, यहाँ तक पहुंचाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होगी, पाइपलाइन की आवश्यकता होगी। क्योंकि ये ठोस पदार्थ को तरल अवस्था में परिवर्तित करके पाइपलाइन द्वारा हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं, इसीलिए इसको परिवहन कहा गया। हम नहीं जा सकते, लेकिन जो ठोस पदार्थ है उसको हम तरल पदार्थ में करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से हम उसको पहुंचा सकते हैं। फिर इसके बाद देखेंगे कई ऐसी शोधशालाएं जैसे बरौनी है, मथुरा में पानीपत है, गैस पर आधारित उर्वरक कारखाने हैं, और पाइपलाइन बिछाने के लिए प्रारंभिक लागत जो थी वह बहुत अधिक थी, और अभी बाद में न्यूनतम लागत पर वाहनांतर में देरी तथा हानियां, इसके कारण भी ये लगभग नहीं के बराबर हो पाया, क्योंकि कई जगह पाइपलाइन के जाल बिछे हुए हैं, कई जगह हम इसे संभव नहीं कर पाए हैं। जैसे कि ऊपरी असम के तेल क्षेत्र गुवाहाटी है, बरौनी है, वह इलाहाबाद के रास्ते कानपुर उत्तर तक ये एक शाखा जो है राजबंध में हल्दिया में है। फिर इस पर देखेंगे गुवाहाटी से सिलीगुड़ी तक भी है। फिर गुजरात में जो सलाया से बीरगंगा, मथुरा, दिल्ली, सोनीपत के रास्ते पंजाब, जालंधर तक ये परिवहन और जो पाइपलाइन है वह
बिछी हुई है और एक दूसरे को जोड़ती है। फिर गैस पाइपलाइन, अब यहाँ देखेंगे गैस पाइपलाइन भी हजीरा से उत्तर प्रदेश तक। फिर यहाँ पर हम देखेंगे इसकी शाखाएं जो है मध्य प्रदेश में भी, मध्य प्रदेश के विजयपुर के रास्ते से होकर इसकी शाखाएं जो राजस्थान में कोटा तथा उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर और बरवाला में स्थानों पर है। फिर इसके बाद देखेंगे जल परिवहन। अब जल परिवहन क्या है, जो जल में हम यात्राएं करते हैं, जो प्राचीन काल के लोग थे वे समुद्री यात्राएं करते थे, नाविकों ने भी दूर दूर से कई क्षेत्रों में से, जैसे हमने देखा था कि सबसे पहला जो नाविक आया था वह बंदरगाह में आया था, कौन से बंदरगाह में, कालीकट बंदरगाह में आया था। तो इस तरह से हम देखेंगे कि ये जो जल परिवहन है, जल परिवहन जो है यह सबसे सस्ता साधन है, क्योंकि यह भारी व स्थूलकाय वस्तुएं जो है ढोने में अनुकूल है और यह परिवहन साधनों का ऊर्जा साधन पर्यावरण के अनुकूल है। अतः हम यह जो है 14,500 किलोमीटर लंबा है और साथ ही साथ यह मशीनीकृत नौकाओं द्वारा यह तय किया जा सकता है। फिर देखेंगे राष्ट्रीय जो जलमार्ग है, सरकार द्वारा जो राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है, तो कौन कौन से जल की है, यहाँ पर हल्दिया तथा इलाहाबाद के मध्य जो गंगा जलमार्ग है वह नौगम्य जलमार्ग की संख्या है, उसी तरह से सदिया मुगरी के मध्य में है, फिर केरल में पश्चिमी तटीय नहर के कारण द्वारा है, फिर काकीनाडा में भी पश्चिम नहर के स्ट्रेच के साथ है, फिर उसे मातई नदी, महानदी के डेल्टा के चैनल, ब्राह्मणी नदी जो है यहाँ पर राष्ट्रीय जलमार्ग जो है, तो इस तरह से 1, 2, 3, 4 इस तरह से राष्ट्रीय जलमार्ग को जलमार्ग जो है उसको घोषित किया गया। इस तरह से कुछ अन्य अंदर जलमार्ग भी हैं यहाँ पर, अन्य जो क्या है अंदर जलमार्ग है जिसमें मांडवी, जुआरी और कम्बलपुर सुंदरवन और बराक केलर के पास है। फिर यहाँ पर देखेंगे इसके अतिरिक्त जो विदेशी व्यापार में भारतीय तट जो है स्थित पत्तनों द्वारा किया जाता है और उसके साथ प्रतिशत जो है क्या है मुद्रा के रूप में 68% जो है वह समुद्रों द्वारा ही व्यापार होता है। इस तरह से हम देखेंगे क्या है परिवहन के द्वारा इतने प्रतिशत जो है वह व्यापार होता है।